नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि पोखरियाल। कल संयुक्त राष्ट्र की 74वीं बैठक में एक बार फिर से मोदी का डंका बज गया। पीएम मोदी जब बैठक को संबोधित करने मंच पर आए तो उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने की बात कही। हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। तो वहीं पाक पीएम इमरान खान जब भाषण देने मंच पर आए तो सिवाय जहर के उन्होंने कुछ भी नहीं उगला। उन्होंने कश्मीर, भारत और संघ के अलावा कोई बात ही नहीं की। And what does Narendra Modi think? That 180 million Muslims of India are thinking right now. Aren't they watching these Kashmiris stuck inside like in for 55 days they've been stuck in? जी हाँ, जहाँ पीएम मोदी ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर बात की तो वहीं इमरान खान की सुई सिर्फ कश्मीर और परमाणु युद्ध पर आकर अटकी हुई थी। भाषण के बीच में इमरान खान इतने बौखला गए कि वो प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति मोदी बोल गए। When my party came to power, the first thing we did was to immediately reach out to India. And I spoke to President Modi. And I said, look. भाषण की अब हर जगह जहां तारीफ हो रही है तो वहीं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक बार फिर से अपनी फजीहत करा ली है। पूरी दुनिया समेत खुद पाकिस्तान में भी पीएम मोदी के विवेकतापूर्ण भाषण की तारीफ हो रही है। जी हां, यूएन में जहां पीएम मोदी ने एक जिम्मेदार नेता के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व किया तो वहीं इमरान खान नौसिखिया नेता की तरह पेश आए। पाकिस्तानी चैनलों पर भी इमरान खान के बजाय पाकिस्तानियों ने पीएम मोदी के भाषण को सुनने में दिलचस्पी दिखाई। पाकिस्तान के YouTube चैनलों पर भी पीएम मोदी का ही दबदबा रहा। पाकिस्तानी चैनल समा टीवी ने दोनों देशों के नेताओं के भाषण अपलोड किए जिसमें पीएम मोदी के भाषण को इमरान खान के मुकाबले कई ज्यादा व्यूज मिले। आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी के भाषण को यहां 105,000 व्यूज मिले जबकि इमरान खान को सिर्फ 70,000 लोगों ने सुना। सिर्फ एक चैनल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक और चैनल 24 न्यूज पर भी पीएम मोदी के भाषण को सबसे ज्यादा देखा गया। यहाँ 32,000 लोगों ने पीएम मोदी को सुनना पसंद किया जबकि मुश्किल से 4,000 लोगों ने इमरान खान को सुना। जी अब इससे तो ये साफ हो गया है कि संयुक्त राष्ट्र तो दूर, अब पाकिस्तान के लोग और नेता भी इमरान खान के साथ नहीं है। इमरान खान की इस बेइज्जती से पहले ही पाक के नेताओं ने अपील भी की थी कि उन्हें विदेशी दौरे पर ना जाने दिया जाए। जी हां, यूएन में इमरान खान के भाषण देने से पहले पाकिस्तान की प्रमुख विपक्षी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इमरान खान के विदेशी दौरे पर रोक लगाने की मांग की थी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सांसद मुस्तफा खोकर का तर्क था कि इमरान खान विदेशी दौरों पर जाकर पाकिस्तान की बदनामी करवाते हैं, वहां जब भी विदेश जाते हैं पाकिस्तान का घाटा कराकर ही वापस आते हैं। लेकिन पाक के नेताओं को जिस बात का डर था वही हुआ। यूएन जैसे मंच पर भी इमरान खान देश के मुद्दों पर विचार करने के बजाय मारने काटने की बात कर आए जिससे इमरान खान की इज्जत की धज्जियां तो उड़ी ही, साथ में पूरे पाक का नाम भी इमरान खान ने डुबो दिया। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।